और मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र ना लगे। और ये है हमारी मैनेजर, क्या नाम था इनका, मुक्ति आपू। और ये रही मैं, और वो पीछे भैया बैठे हुए हैं, वो है कैमरा। तो ये है हमारे कैमरा मैन जो आज हमारे शूट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे जी पाकिस्तानी लड़की बांग्लादेश पहुँची हैं और उन्होंने यहाँ पे बांग्लादेश में क्या कुछ कर रही हैं। पहले तो वो जी उन्होंने यहाँ जी लाइक एक मेकअप आर्टिस्ट जो है वो बनी है, एंड अब जो है उन्होंने अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर लिया है। अपना उन्होंने क्या बिजनेस स्टार्ट किया है, क्योंकि वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, अब बांग्लादेश में आके उन्होंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने अपनी जो ठीक है सेंटीमेंट्स शेयर किए हैं और क्या कुछ हो रहा है, अपने जो बिज़नेस है उसको प्रमोट कर रही हैं। ये लड़की क्या कह रही है, ये है और सारी इसकी फैमिली भी है, ठीक है। ये रिसेंटली जो है ना बांग्लादेश में शिफ्ट हुए हैं और इन्होंने बांग्लादेश में जाते ही अपना जो कारोबार है वो स्टार्ट कर दिया। क्या बात है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो देखते हैं, देखते हैं क्या कह रही हैं। वीडियो आप लोग आखिर तक देखें, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो चलते हैं देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग एवरी वन, और मैं उठ गई नींद से। तो अभी जो है हम बनाएंगे खाना अपने लिए, नाश्ता। दोपहर के 12 बज रहे हैं शायद, तो 12 या 1 बज रहे हैं। इसके बाद मैंने ब्रेड और शामी कबाब जो है फ्राई कर लिए, बनाएंगे चाय। उसके बाद पनीर पालक, पालक पनीर के साथ मैंने खा लिया, और मैं जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी से निकल गई और शूट के लिए पहुंच गई। तो ये रही मैं, और मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र ना लगे। तो हाँ जी, मैं आ गई हूँ हमारे सलून में, जो कि है असद गेट आरूम के बिल्कुल करीब। और इस जगह का नाम है लाल माठिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर में ही आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं और मैं आपको बताती हूँ अभी मैं क्या करने वाली हूँ। थोड़ी सी मस्ती शस्ती मस्ती शस्ती क्या कह रही भागो। तो अभी मैं आ गई हूँ पार्लर में, चलें भाई अंदर जाते हैं, अंदर जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। सो आ गए हम अंदर, और यहाँ पे चल रहा है काम। ये रही हमारी दो आपू आपी आपियाँ, और ये है हमारी मैनेजर, क्या नाम था इनका, मुक्ति आपू। और ये रही मैं, और वो पीछे भैया बैठे हुए हैं, वो है कैमरामैन जो कि आज का शूट करने वाले हैं। सो शूट स्टार्ट हो चुका है, और ये रही मैं मेकअप कर रही हूँ। दैट्स नाइस यार, इतना अच्छा मेकअप कर रही हूँ, मेकअप आर्टिस्ट। और वहाँ पे आखी आपू जो है वो मेकअप कर रही हैं, और मैं भी मेकअप कर रही हूँ। तो हाँ, आप लोगों को मतलब बहुत सारी क्वायरीज़ होते हैं आप लोगों के, क्या आप क्या कर रही हैं, ये वो कौन सी यूनिवर्सिटी में। तो मैं हूँ शांतो मरियम यूनिवर्सिटी में, आई एम स्टडिंग फैशन डिज़ाइनिंग। तो सबको पता है कि कल हमारे पार्लर की ओपनिंग हुई है भैया से। ओपनिंग हुई है। तो ये है हमारे कैमरा मैन अच्छा, इसने जो आज हमारे शूट कर बहुत रहे अच्छा हैं, किया। और इन्होंने कल भी यहाँ पे काम वाम किया। और ये है हमारी मॉडल, हे नाम देने की जरूरत नहीं, तस्निया। और ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, वो भैया भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, और हम काम कर रहे हैं। हाँ, तो मैं अभी आप लोगों को लुक दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि अगर लुक देखना है तो आप लोगों को मुझे फॉलो करना पड़ेगा मेरे पेज पे, पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और बाकी डिटेल्स आप लोगों को अगर कोई बुकिंग करवानी है ये वो, तो आप लोग मुझे पेज पर नॉक करें, पेज का लिंक मैंने जैसे कि बताया मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और दैट्स इट। और लोकेशन लोकेशन तक ही खाने चाहिए, लाल माटिया शॉपिंग सेंटर असद गेट आरोंग है ना, वहाँ पर उतर के उसके साथ वाले रोड में आने से ही आपको जो है ना ये मिल जाएगा। और हमारे पार्लर सलून का नेम है
स्टाइल एंड स्माइल ब्यूटी जोन, और बस यही। और आज का शूट तो चल रहा है, मैंने सोचा कि व्लॉग वगैरह बना लेना चाहिए क्योंकि मैं बहुत इनएक्टिव हूँ। एक्टिव रहना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। ये वीडियो बनाना, एडिट करना, जो लोग सोचते हैं ना कि व्लॉगिंग करना या यूट्यूबिंग करना बहुत ईजी है, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। एक तो सबके सामने बातें करो, उसके बाद कैमरा ऐसे ऐसे करके पकड़ के रखो, और दैट्स इट। और ये देखिए ये प्यारा सा ज्वेलरी, कल मम्मा को ये जो है ना गिफ्ट किया किसी ने यहाँ पे, तो उसके बाद मैंने आज ये पहन लिया। और दिस इज माय आउटफिट, ये आउटफिट मैंने कब लिया था, मैं बाहर जाके दिखाती हूँ आउटफिट अपना। अच्छा हाँ और यहाँ पे हमने कुछ का खाया, बड़े मजे का था, मुझे आंटी ने खिला खिला के दिया। तो यहाँ पर शूटिंग चल रही थी एक और ब्राइट की, और मैं वीडियोस कुछ क्लिप्स ले रही थी। और थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोगों का मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। मुझे मतलब बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं मेरे व्लॉग को। इसी तरह सपोर्ट करते रहें और देखते रहें, और क्या, फिर जल्दी जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और अभी ये हेयर स्टाइल वगैरह किया जा रहा है, और इनकी हालत देखिए, लोग सब जा रहे हैं, जाने का टाइम हो गया। ऐसे ही सारे ये मेकअप हेयर वाले लुक में ऐसे घर जाएंगे सारे के सारे। और ये भैया भी चले जा रहे हैं कैमरामैन वाले, और सब कुछ ख़त्म हो गया है। शुमंती जो है वो सबको हेल्प कर रही हैं जाने में। अभी हम जाएंगे, कुछ खाएंगे, निकल गए हम लोग, बाहर आ गए, और अभी हम खाने जा रहे हैं वो जो मैंने आप लोगों को बताया था ना चूरमूट, वो जो चना चूर है वो बहुत ज़्यादा यम्मी है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। नेक्स्ट जब मैं जाऊँगी ना तो मैं उसकी वीडियो करूँगी ज़रूर उस जगह की। और यहाँ पे मैं आंटी से बातें कर रही हूँ, ये बहुत ही प्यारी आंटी है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, मुझे बहुत प्यार करती हैं, मतलब अम्मू अम्मू करके बुलाती हैं, अम्मू मीन्स माँ मतलब मम्मा, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, फ्रेंडली हैं। और अभी हम लोग आ गए हैं खाने के लिए, मैं यहाँ ज़रूर जाके वीडियो करूँगी। और ये हमारी एक और मॉडल थी जिनको एक हमारी जो आपी हैं उन्होंने पार्लर में एक और आपी हैं आखी, तो उन्होंने जो है ना वो उनका मेकओवर किया है। और अगर आप लोग मुझसे मेकओवर करना चाहते हैं तो आप लोगों को आगे बुकिंग देनी पड़ेगी और आगे कांटेक्ट करना पड़ेगा पेज पर कि हमें आमना से मेकअप करवाना है, मेकओवर लेना है, तो तब आप लोग, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी क्लासेस होती हैं तो मेरी यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस ऑन है, तो मुझे आगे से अगर पता होता है तो मैं उस तरह शेड्यूल कर लेती हूँ। और मेरी मम्मा एज यू गाइस नो के हेयर एक्सपर्ट है, तो आप लोग के हेयर रिलेटेड अगर कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो आप लोग उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी आगे से बताना तो पड़ेगा। यही सब, और उसके बाद मैं आ गई घर। घर आके देखा घर के नीचे दानियल खड़ा था और उसे फ्रूट्स लेने जाना था, और बहुत प्यारा लग रहा था दानियल वाइट पंजाबी में, वाइट शलवार कमीज में, कुर्ते में, तो पंजाबी बोलते हैं बांग्लादेश में, हम पाकिस्तान में कुर्ता बोलते हैं। तो उसके बाद हमने फ्रूट्स लिए, यहाँ पे बहुत कुछ फ्रूट्स थे, माल्टा, उसके बाद हमने प्यारा लिया, अमरूद, उसके बाद हमने लिया दानियल, पेमेंट कर रहा था कितने अच्छे से, और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। छोटा भाई है ना, मतलब इसे हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं जी। और ये वीडियो आप लोगों ने देखी है, व्लॉग आप लोगों ने देखा, बहुत मज़े का। इन्होंने रिसेंटली जो अपना बिजनेस है बांग्लादेश में ओपन किया है, और ये बेसिकली इनका सलोन है जिसके बारे में ये बता रही थी। और ये लड़की जो है ना यार, ये मेकअप बहुत बहुत अच्छा करती है, मुझे इसका मेकअप बहुत पसंद है। और स्पेशली अब इन्होंने बांग्लादेश में अपना सलोन जो है ओपन किया है, क्योंकि समटाइम्स आप लोगों ने देखा है कि यार पाकिस्तानी जो मेकअप है, पाकिस्तानी ब्राइड्स का जो मेकअप होता है वो बहुत ज़्यादा डिमांड किया जाता है। एक बांग्लादेश का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पाकिस्तान का थोड़ा सा डिफरेंट होता है,
ये जो है ना, इनका मेकअप यार मुझे बहुत पसंद है लिटरली, और आई लव इट। और बड़ा अच्छा मेकअप कर रही थी। तो जिन जिन लोगों को पाकिस्तानी मेकअप लुक करवानी है वो इनके पास जा सकते हैं, इनके सलून में जा सकते हैं। इन्होंने अपना जो एड्रेस है वो बता दिया है। बहुत ही औसम मज़ेदार किस्म का व्लॉग, और मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि कोई पाकिस्तानी है जो बांग्लादेश में जाके उन्होंने इस तरह जो अपना काम स्टार्ट किया है और आगे इसको रन कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने शेयर किया कि इनको बांग्लादेशी किसी ने गिफ्ट दिया था जो इन्होंने पहना हुआ है। तो बांग्लादेशी यार बहुत बहुत ज़्यादा लविंग लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले, हमेशा वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। सो वो ही लव बांग्लादेश एज वेल। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहना, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, हाफिज, बाय बाय।